点钟。आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। चोरी के 1 किलो सोना व हीरो मोती के साथ चोर गिरफ्तार। महाराष्ट्र में झारखंड लाया था सामान, कई देशों के नोट करेंसी डॉलर भी बरामद। बोकारो में महाराष्ट्र पुलिस ने बोकारो के बालीडेही थाना पुलिस के साथ मिलकर एक को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र में इनकम टैक्स अधिवक्ता राधा रमण त्रिपाठी के घर चोरी के सिलसिले में आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ में झारखंड के बोकारो के बालीडेही थाने के सहयोग से 1 किलो सोना के साथ विदेशी करेंसी को किया बरामद। बोकारो के बालीडेही पुलिस के सहयोग से बन सिमली गांव में की गई छापेमारी। हीरालाल नामक नौकर गिरफ्तार। उसके पास से चोरी का 1 किलो सोना, हीरे का जेवरात और फॉरेन करेंसी भी हुआ बरामद। हीरालाल सोना और हीरे के जवाहरात लेकर राधा रमण त्रिपाठी के थाने स्थित घर से भाग गया था। बोकारो पुलिस के सहयोग से महाराष्ट्र पुलिस का छापा मार कर सारा सामान बरामद कर आरोपी को साथ लेकर महाराष्ट्र के लिए होगी रवाना। महाराष्ट्र के सरथाने सिटी में 16 नवंबर को चोरी का हुआ था यह मामला दर्ज। कुल सामानों की कीमत 29 लाख रुपए बताई जा रही है। जिसका चोरी हुआ था। बोकारो से रिपोर्टर नरेश कुमार की रिपोर्ट। मिल जाएगा और मेरे ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाएगा और कोई ये नहीं सोचेगा कि ऐसी हालत में कोई बंदा इस तरह से 21 स्टेयरकेस चढ़ के ऊपर। बिल्कुल अंधेरा में मामला था, किस तरह से आप लोगों ने इसको ट्रेस आउट किया और रिकवरी हुआ माल और क्या क्या बरामद हुआ? एसपी टीम मुरुगन साहब के निर्देशानुसार कि महाराष्ट्र की टीम इंस्पेक्टर शशिकांत रोकड़े आए हुए हैं एक थेफ्ट केस के डिटेक्शन के लिए। वो यहां पहुंचे, उन्होंने अपने सीसीटीवी फुटेज दिखलाया जिससे ये क्लियर हुआ कि ये लड़का जो है हीरालाल बनसिमली का है जिसने वो क्राइम किया है। वहां पर जब हम लोग रेड किए और जब उससे पूछताछ की गई तो उसके घर के आंगन के सामने गड़े हुए हालत में राधारमन त्रिपाठी के यहां से जो थेफ्ट हुआ था सारा जेवरात एवं हीरे के जेवरात हैं, उसमें सोने का करीब 1 केजी सोना भी है, साथ में फॉरेन करेंसी है डिफरेंट कंट्रीज के बरामद किए गए और हीरालाल को अरेस्ट करके लाया गया। तो क्या मतलब घर के लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी? घर के लोगों की इसकी जानकारी नहीं थी, इसने बतलाया कि हम गए और रात में ही अकेले, ताकि बात नहीं क्लियर हो, हम रात में ही अकेले गाड़ दिए थे और उसके ऊपर वो कूड़ा का ढेर लगा दिया था और उसी के बगल में ही वो कुत्ता रखता था ताकि उसकी रक्षा हो सके। अभी बताइए कि मतलब किस तरीके से इसने यह बात उगल दी? कन्फ्यूशन करने की बात थी कि जब उसको रियलाइज हुआ, सीसीटीवी फुटेज दिखलाया और उसके परिवार वालों ने भी बतलाया कि जो बात सत्य है वो बतलाया, तब वो इमोशन में आके सारी बात बतलाया। क्यों ऐसा किया, अपराध क्यों किया? अपराध का वजह ये माना जा सकता है कि वो जब वहां से वो लौटा उसके बाद इसको पैरालिसिस का अटैक हुआ, इसके बाद मालिक के द्वारा कोई हेल्प नहीं मिला उसको और उसको लगा कि अब हम कैसे जीवन यापन करेंगे, तब वो इसने अपराध करने की ठानी। इसलिए मैं इस कदम उठाया, फिर भी उनका परम जी का कृपा से हम और वो मैम का मुमताज से मैं हम माल को उस जगह गाड़ के रखा था कि किसी भविष्य में हम उनको छुएंगे नहीं, जब आएंगे तो हम उनको स्टैंड कर देंगे या पुलिस जो भी हो हम उनको माल वापस कर देंगे, क्योंकि हम लोग उतना बड़ा चोर नहीं है सर, जिंदगी में चोरी नहीं की कर दिए सर, यही मेरा उपाय के चलते वो कोई मौती हमको ले गया था इस चलते नहीं। कोई और आपको बताया था क्या कर? कोई नहीं सर, अकेले सर। जो था सर सब टीम में था, सुनना ही जाना जो भी है, ईरा मोती सब मैंने पैक कर दिया था, उनका काजू किसमस सब खा खा के आए। अफसोस होता है सर जी? बहुत बड़ा अफसोस रहा है कि मेरे को सर ने एक बार जरूर बोला था कि हीरा लास्ट बार पूछ रहे बेटा बता दे, तो थोड़ा मेरा उस समय मन दूसरा था है? फिर शाम को मैंने मन मेरा चेंज हो गया कि मेरे सर और मैम जो कहता है सब सही कहता है, इसीलिए मैं माल दिखाने के लिए ले। तो आप प्रायश्चित करने को तैयार हैं? जी सर।